वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश में बोलने के लिए सीखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट शब्द, तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है टिल, जिसका मतलब होता है तक। यहाँ कैसे यूज होता है, जैसे टिल मंडे, सोमवार तक, टिल मॉर्निंग, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग, सुबह तक, मैं सुबह तक अध्ययन करता हूँ। दूसरा शब्द है सो, जैसे इसका मतलब होता है सो, मतलब इसलिए, सो ही क्राइड, इसलिए वह रोया, इसलिए वह रोया, सो मतलब इसलिए। उसके बाद देखिए तीसरा वर्ड है फॉर, जिसका मतलब होता है के लिए या लिए, जैसे वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करना, मेरे लिए इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। इसके बाद है समथिंग, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ या कुछ कुछ, जैसे कैरी समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कोई चीज़ ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कोई चीज़ ले आओ, समथिंग मतलब कोई भी चीज़। इसके बाद है सच, जिसका मतलब होता है ऐसा या ऐसी, सच थिंग्स आर नॉट गुड, ऐसी बातें अच्छी नहीं हैं, ऐसी बातें अच्छी नहीं हैं। अगला शब्द है वेयर, वेयर एज, इसका मतलब होता है जबकि, ही इज ए डॉक्टर, वेयर एज आई एम ए टीचर, वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूँ, जैसे कोई दो लोग हैं उसके बारे में बता रहा है कि वह एक टीचर है जबकि मैं एक शिक्षक हूँ। अगला वर्ड है सेम, इसका मतलब होता है वही या समान, जैसे आई हैव सेम बुक, मेरे पास वही किताब है जैसा कि आपके पास है, आई हैव सेम बुक। नेक्स्ट वर्ड है सो, इसका मतलब है इसलिए, सो ही क्राइड, इसलिए वह रोया, इसलिए वह रोया। उसके बाद अगला वर्ड है सम, जिसका मतलब होता है कुछ, आई हैव सम टाइम, मेरे पास कुछ समय है आपके लिए, आई हैव सम टाइम। अगला शब्द है एज, मतलब जैसा, डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो, मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से। उसके बाद है आल्दो, इसका मतलब होता है हालांकि, आल्दो ही इज इल, हालांकि वह बीमार है, आल्दो ही इज इल, हालांकि वह बीमार है। उसके बाद है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, जैसे ही हैज़ नथिंग इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ भी नहीं है, ही हैज़ नथिंग इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है जैसा, जैसे ही, एज सून एज, एज सून एज आई रीच्ड दियर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, एज सून एज मतलब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा बारिश होने लगी। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, के सिवाय को छोड़कर, जैसे स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुल, द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान, के दौरान, जैसे ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी, वह पढ़ाई के दौरान सो गया, पढ़ाई के दौरान मतलब पढ़ते पढ़ते सो गया। नेक्स्ट है बिहाइंड, मतलब पीछे या के पीछे, ही वाज जस्ट बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे था, ही वाज जस्ट बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे था। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो, से द्वारा या के माध्यम से, पानी पाइप से गुजर रहा है, जैसे वाटर इज पासिंग थ्रो पाइप, पानी पाइप से होकर गुजर रहा है, पाइप के द्वारा गुजर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ, इसका मतलब होता है नीचे के लिए, जैसे चाबी मेरे तकिए के नीचे है, तो इसका क्या हो जाएगा, द की आर बीनीथ माई पिलो, द की आर बीनीथ माई पिलो। नेक्स्ट है एमंग, एमंग मतलब होता है बीच में या के बीच में, आई वॉज एमंग 10 people, मैं 10 लोगों के बीच में था, मतलब 2 से अधिक लोगों के बीच में जब होगा तो एमंग का यूज होगा,
आई वॉज अमंग 10 पीपल, मैं 10 लोगों के। नेक्स्ट है बिटवीन, के बीच में, मतलब दो लोगों के बीच में। जैसे आप दोनों अपने बीच में केक बांट लें, जैसे डिवाइड द केक बिटवीन यू टू, मतलब दो लोगों के बीच में होगा तो बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट है अपान, मतलब होता है के ऊपर। जैसे एक तोता पेड़ पर बैठ गया, ए पैरोट सेट अपान द ट्री। इसमें एक जैसे जीवित होता है और एक चालक होता है और एक स्थिर होता है, तो वहाँ पर अपान का यूज होता है, जब कोई चीज़ टच करे और साथ ही उसमें गति हो, तो इस तरह से। नेक्स्ट है अबाउट, माने बारे में या के बारे में। जैसे टेल मी अबाउट योर सिटी, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सिटी, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। नेक्स्ट है अगेंस्ट, माने होता है विरुद्ध या के खिलाफ। जैसे ही ऑलवेज कंप्लेन अगेंस्ट मी, वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। बाई या द्वारा, के द्वारा, से के लिए, के जरिए से। जैसे ही कम बाई बस, वह बस के द्वारा आया, बस के द्वारा आया। है विथ, विथ मतलब होता है साथ या के साथ या साथ में। जैसे आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फॉर, इसका मतलब होता है के लिए। जैसे दिस इज फॉर हिम, यह उसके लिए है। नेक्स्ट है फ्रॉम, मतलब होता है से। जैसे ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। फ्रॉम मतलब से, कहाँ से आया, दिल्ली से आया। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ, ओ डब्ल्यू एफ, ऑफ मतलब होता है बंद करना। जैसे लाइट ऑफ, लाइट बंद कर दो, तो क्या होगा, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। नेक्स्ट है ऑफ, इसका भी उच्चारण ऑफ ही है, पर इसमें एक ही एफ रहता है। जैसे ओ एफ ऑफ, मतलब होता है का के की। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, वह इंग्लिश क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, छात्र है। नेक्स्ट है विद इन, के अंदर या के भीतर या अंतर्गत। जैसे आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days, मैं इस काम को 4 दिनों में पूरा करूँगा, मैं इस काम को 4 दिन में पूरा कर लूँगा।